गाइस क्वेश्चन नंबर वन को अगर आप देखो तो उसका डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो इस पर फॉर्मूला एक्सपेंड करो, क्या आपके पास आएगा, एक फैक्टर बनेगा एक्स माइनस 5, एक फैक्टर बनेगा एक्स प्लस 5। वो तो आराम से कर लोगे, जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू करवा दिए। क्वेश्चन नंबर थ्री में भी आपके पास तीन फैक्टर गिवन है, तीनों को ए बी सी के अंडर लिख देना। और फोर में देखो आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 2x² - 5x + 2, ठीक है। क्या करो, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करना। जब मिडिल टर्म ब्रेक करोगे टू लीनियर फैक्टर बनेंगे और दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। दो फैक्टर बनेंगे लीनियर, दोनों अलग अलग होंगे, तो बिल्कुल सेम टेक्निक से ए ओवर एक फैक्टर फिर बी ओवर दूसरा फैक्टर कर लेना। और पांचवा मैं करवा रहा हूँ। अब देखो ये जो सारा रूल है वो आपके पास है क्वाड्रेटिक, कोई लीनियर मतलब अल्जेब्रिक इक्वेशन आपके पास होगी मैंने, आपके पास यहाँ आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ। किस तरह चेंज करो, लेट कर लो साइन एक्स को यू के बराबर, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, कॉस एक्स, और डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी यू पुट कर दो और जहाँ साइन एक्स है वहाँ यू पुट कर दो, तो आपके पास अब एक फॉर्म आ गई और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या, लीनियर फैक्टर है, ठीक है। यू की पावर भी वन है, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर टू प्लस यू है, इसकी पावर भी मैक्सिमम वन है, तो लीनियर फैक्टर है आपके पास, ठीक है। मतलब यू की मैक्सिमम पावर जिसको डिग्री भी बोलते हैं। अब आप क्या करो, इंटीग्रल और डी यू को छोड़ के बाकी फ्रैक्शन जो है उसको रिजॉल्व कर दो, वन ओवर यू टू प्लस यू को रिजॉल्व कर दो पार्शियल फ्रैक्शन में। किस तरह करोगे, दो फैक्टर हैं और दोनों लीनियर हैं और दोनों यूनिक हैं, सेम नहीं है, तो केस नंबर वन है ये, ए ओवर पहला फैक्टर बी ओवर दूसरा फैक्टर प्लस दरमियान में डाल दो। उसके बाद क्या करो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो यू टू प्लस यू से, ठीक है। तो यहाँ से यू कैंसिल हो जाएगा, टू प्लस यू बच जाएगा इसके साथ, और यहाँ टू प्लस यू कैंसिल होकर सिर्फ यू बच जाएगा आपके पास। ए की वैल्यू निकालनी है, यू की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये जीरो होगा, यहाँ टू बच जाएगा और यहाँ वन है, तो ए की वैल्यू वन ओवर टू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, यू की वैल्यू माइनस टू पुट कर दो, तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस वन ओवर टू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी ए और बी की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो, ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा है इसमें, यू है आपके पास, दोनों फैक्टर पे इंटीग्रल और डी यू आपके पास आ जाएगा, कॉन्स्टेंट वन ओवर टू है, इसको बाहर कर दो। उसके बाद फॉर्मल लगा दो, जो डिनोमिनेटर में उसका डेरेवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है, एल एन जो भी फंक्शन है वो आ जाएगा, नीचे भी एल एन जो भी फंक्शन है वो आ जाएगा, ठीक है, और प्लस एल एन सी। अच्छा बुक में आप देखोगे सिर्फ सी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप मतलब कैलकुलस की अगर थोड़ी हाई लेवल की बुक्स देखोगे, यूनिवर्सिटी लेवल की या मास्टर्स लेवल की, उसमें कॉन्सेप्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास मैक्सिमम इक्वेशन में एलन की फॉर्म में आपकी मैक्सिमम इक्वेशन जो भी आपने इंटीग्रेट किया एलन की फॉर्म में, तो इट इज़ बेटर कि आप कॉन्स्टेंट को भी एलन की फॉर्म में लिख दो। अगर नहीं लिखोगे होगा कुछ भी नहीं, बस एक स्टैंडर्ड तरीका है, जैसे हम मैथ में कोई भी आपके पास डिनोमिनेटर में रेडिकल सिंबल नहीं होता, हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। खैर अब आप क्या करो, वन ओवर टू इन दो से कॉमन लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल एन यू और माइनस एल एन यू प्लस टू हो जाएगा। अब ये वही वाला फॉर्मूला बन गया, एल एन पी माइनस एल एन क्यू, ये किसके बराबर होता है, एल एन पी ओवर क्यू के बराबर होता है, तो एल एन पी आ जाएगा और क्यू इसके बराबर हो जाएगा। अब जो यू की वैल्यू लेट की थी वो पुट कर दो, साइन एक्स के बराबर था तो यहाँ भी साइन एक्स आ जाएगा और नीचे भी साइन एक्स प्लस टू आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या करना है, आपने वही कॉस एक्स को लेट कर लो यू के बराबर, डी यू क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस साइन एक्स डी एक्स, और सिर्फ साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, माइनस डी यू के। जो सब्सटीट्यूट किया पुट कर दो इसके अंदर, तो माइनस डी यू और वन प्लस यू टू प्लस यू हो जाएगा, ठीक है। आप इंटीग्रल और डी यू को हटा के क्या फ्रैक्शन बचेगी, माइनस वन, वन प्लस यू टू प्लस यू, ठीक है। इसको ब्रेक कर दो पार्शियल फ्रैक्शन में, तो अच्छा देखो दोनों लीनियर फैक्टर हैं और दोनों यूनिक हैं, मतलब सेम नहीं है, तो आप क्या करो, ए ओवर ये चीज़ और बी ओवर ये चीज़। अभी तक जितने क्वेश्चन के सब केस वन के हैं वो, कि लीनियर फैक्टर जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ही आ रहा है, दो दफ़ा रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके नीचे लिख दो और बी के नीचे भी ये लिख दो। उसके बाद क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो वन प्लस यू टू प्लस यू से, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको वन बोल दो और इसको टू बोल दो। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, बी में यू की जगह माइनस वन पुट कर दो, तो ये जीरो हो जाएगा और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन के बराबर आ जाएगी। फिर अगर आपने ए को मतलब जीरो करना है तो क्या करो, यू की वैल्यू माइनस टू पुट कर दो, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन के बराबर आ जाएगी, ठीक है। जो ए और बी की वैल्यू आई है वो पुट कर दो इक्वेशन नंबर वन में, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद क्या करो, इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ डी यू इंटीग्रल, इधर भी इंटीग्रल डी यू और इधर भी इंटीग्रल और डी यू आ जाएगा आपके पास। फॉर्मूला लगाओ, माइनस एल एन वन प्लस यू, एल एन टू प्लस यू और प्लस एल एन सी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो दो फैक्टर ऐड हो रहे हैं, एल एन पी प्लस एल एन क्यू और माइनस एल एन आर कर दो, तो एल एन पी एल एन क्यू आ जाएंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में,
और तीसरा वेक्टर जो माइनस हो रहा है वो आएगा डिवीजन फॉर्म में, जो लॉग का फॉर्मूला जो हर सवाल में बताता हूँ आपको। उसके बाद यू आपके पास क्या है, कॉस एक्स के बराबर, तो यू की जगह कॉस एक्स लिख दो, 2 प्लस कॉस एक्स और नीचे भी 1 प्लस कॉस एक्स लिख दो, ये आपके पास फाइनल। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तक तो आपके पास सारी जो थी वो प्रॉपर फ्रैक्शन थी, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, वही क्या जिसका न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक तो आपके पास सारी प्रॉपर थी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके पास इम्प्रॉपर है, क्यों? इसमें न्यूमरेटर की डिग्री देखो मैक्सिमम 3 है और इधर देखो 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 3 और डिनोमिनेटर की 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो या बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से तो वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे हम ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली टेक्निक नहीं इस्तेमाल करते। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो आप क्या करो, सिंपल उसे डिवाइड कर दो, जो आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। किस तरह करोगे, इसको बाहर रखो और इसको अंदर रखो, सॉल्व करो आपके पास। अच्छा मैंने आपको बताया था जैसे आपके पास हो ना, 5 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, ठीक है। मैंने लिखने का एक तरीका बताया था, क्या था, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजर। क्वेश्चन क्या आपके पास 2, रिमाइंडर क्या है 1 और डिवीजर क्या है 2। देखो इस टेक्निक को याद रखो, अभी एक्सप्रेशन किस तरह की थी, 5/2 थी, आपने डिवाइड किया तो ये होगी 2+1/2, ठीक है। देखो इस चीज़ को याद रखो, जब भी आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर अगर आप अल्जेब्रिक में बात करोगे तो मतलब डिग्री उसकी ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की, और अगर नंबर सिस्टम में बात करोगे तो क्या होगा कि अगर न्यूमिनेटर में कोई बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर होगी, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए, अगर आप उसको डिवाइड करो और मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो मिक्स फ्रैक्शन दो चीज़ों का मजमूआ होगी, एक तो होल नंबर होगा और एक आपके पास हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो अगर इम्प्रॉपर को डिवाइड करोगे तो दो चीज़ें आएंगी मिक्स फ्रैक्शन में, एक होल नंबर और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन, हमेशा प्रॉपर आती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा में, तो आपके पास जब पॉलिनोमियल आते हैं तो आप एक चीज़ लिख देते हो, इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो फंक्शन है एक्स का, रिमाइंडर भी डिवीजर भी फंक्शन है एक्स का, ठीक है। तो इसको आप इस तरह लिख दो, कैसे लिखोगे, क्वेश्चन क्या आपके पास एक्स माइनस 4 इधर आ जाएगा, प्लस रिमाइंडर क्या है 12x+11 और डिवीजर क्या आपके पास x²+3x+2, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में आप इस तरह लिख दोगे, ठीक है। ये अब काम आपने हर उस सवाल में करना है जिसमें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो, ठीक है। पेपर में ये नहीं कि अंधाधुना पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक लगा दो, पहले देखो अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है तो करो, अगर इम्प्रॉपर है तो डिवाइड करके प्रॉपर में चेंज करो उसे। अब प्रॉपर्टी लगाओ, इंटीग्रेशन का बेसिक रूल जो है सबके ऊपर आप इंटीग्रल अप्लाई कर दो, ये भी इस तरह आ जाएगा, और इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर ए। अब इस पर आप लगा दो पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक जो हम करते हैं, क्यों, डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम एक्स की पावर क्या होगी 2 होगी, एक्स की स्क्वायर ना 2 होगी, और न्यूमिनेटर में आपके पास मैक्सिमम क्या है 1, तो न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। वही काम करना है आपको। आप देखो इसमें केस नंबर 1 है कि आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है और वो रिपीट नहीं हो रहा, दोनों अलग है, तो आप क्या करो सिंपल ए के नीचे भी लिख दो, बी के नीचे भी ये लिख दो, सॉल्व करो, पहले मल्टीप्लाई करो इसे, उसके बाद ए की वैल्यू निकालने के लिए बी को 0 रखो, b की वैल्यू निकालने के लिए a को 0 कर दो, a की वैल्यू 13 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी, जो भी वैल्यूज आएंगी वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आपके पास यहाँ तक फंक्शन आ गया। अब देखो जो भी इसकी वैल्यू आई है ये चीज़ जो है वो पुट कर दो इक्वेशन नंबर a में इस फ्रैक्शन की जगह, पुट करोगे उसके बाद मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो नहीं बोलते खैर इंटीग्रल के टर्म में, इंटीग्रल का बेसिक रूल क्या था, आपके पास अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो दोनों पे इंटीग्रल अप्लाई करो और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, वही बात है दो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इस पे भी इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा और इस पे भी इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, ये मैंने इस तरह कर दिया, 13 कांस्टेंट था इंटीग्रल से बाहर कर दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, ये हो जाएगा x²/2, ये हो जाएगा -4x। अब जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है, ln x+2 हो जाएगा, ये ln x+1 और प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो ये आपको गिवन है। अब इसमें देखो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है, इस पे आप वो केस नंबर 3 लगा सकते हो लेकिन अपनी लाइफ बहुत मुश्किल में डाल दोगे, क्योंकि इसका इजी तरीका बहुत है, मतलब इसका बहुत आसान तरीका है, वो क्या है कि आप x² को u के बराबर ले लो, डिफरेंशिएट करोगे du बराबर हो जाएगा 2x dx के, सब्स्टिट्यूट करो आपके पास ये आ जाएगा। अब जो आपके पास क्या है लीनियर फैक्टर, ठीक है, तो इस तरह अपनी लाइफ को आसान कर दोगे। अब इस फ्रैक्शन को किस तरह ब्रेक करोगे, a/(1+u)+(b/3+u), ठीक है, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को शुरू का बताना था किसकी टेक्निक है किस तरह सॉल्व करोगे, ये ना हो कि हर फैक्टर बस देखे बगैर बस लगा दो, हो तो जाएगा उससे लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम होगा, अगर आसान तरीका है तो क्यों मुश्किल हम यूज़ करें।
तो इसको सॉल्व करना जिस तरह मैंने बताया, जो तरीके बताए, केस नंबर वन हो गया अभी, सॉल्व करना आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में ना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अगर आप न्यूमरेटर की डिग्री निकालोगे वो भी 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री निकालो वो भी 2 है, तो ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कि जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री या तो ग्रेटर हो या बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, वो इम्प्रॉपर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास बराबर है डिग्रीज, तो आप क्या करो, सबसे पहले डिवाइड करोगे इसे, ठीक है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको करवाया था, क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के पैटर्न पे आपने क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 11 ये है। अब इसमें आपको क्या बताना था, देखो आपके पास वही बात है कि आपके पास ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की 3 है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या करो, डिवाइड करो, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजन, ठीक है। अब इस देखो इस पे तो डायरेक्ट आप इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, इसमें क्या करोगे, देखो एक्स कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब देखो इसके दो फैक्टर बन रहे हैं, एक तो सिंपल लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक अप्लाई ना करो, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे फॉर्मूला ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ब्रेक करो, जो फॉर्मूला नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो, अब जो तीन फैक्टर है ना, तीनों लीनियर है और तीनों अलग अलग है, तो ये आपके पास केस 1 हो जाएगा। केस 1 जो है ना आपके पास आसान है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके पास उसमें ब्रेक हो जाए, ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर कर लेना, लेकिन अगर हो जाए तो आसानी, मतलब अपनी आसानी के लिए केस नंबर 1 में ब्रेक कर देना, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ए ओवर एक्स हो जाएगा प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 1, आराम से सॉल्व कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 पहला है जो हमारे पास केस नंबर 2 से रिलेटेड है, ठीक है, वो करते हैं उसको किस तरह सॉल्व करना। अब देखो यहाँ तक जो है ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस पेपर में केस 2 से रिलेटेड मैंने नहीं देखा आज तक, लेकिन मैं केस 2 3 और 4 का पता नहीं क्वेश्चन है कोई आपकी बुक में नहीं, खैर जितने जो केस 2 केस 3 और केस 4 का अगर हुआ क्वेश्चन तो मैं वो करवा दूंगा आपको, ताकि आप लोगों को आना चाहिए किस तरह आपने करना है। बाकी प्रैक्टिस जो है वो केस 1 की आप लोग मेजॉरिटी करो, क्योंकि स्मार्ट वर्किंग ये नहीं होती कि आप पूरी बुक का रट्टा मार लो, स्मार्ट वर्किंग ये होती है कि आप हार्ड वर्किंग नहीं करो, आप कि जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना, एग्जाम्पल हर चीज़ सॉल्व करनी है, बाकी सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं दे रहे, ये होती है हार्ड वर्किंग। आप लोगों ने हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्किंग करनी है। आप लोग क्या करो, चीज़ें सब समझो, नॉलेज सबका आना चाहिए, कॉन्सेप्ट हर चीज़ का आना चाहिए, लेकिन तैयारी आप वो करो जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह ये होगा कि आप पेपर में भी अच्छा स्कोर कर लोगे और कोई कॉन्सेप्ट आपसे रह नहीं जाएगा, आप हर चीज़ सीख लोगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या है, ये तो आप अभी मतलब प्रैक्टिस में नहीं रखोगे, इंटर के बाद आप 6-5 महीने बाद सब भूल जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहते हैं, जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रहेगा, ये क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे। इसी तरह डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन है, बाकी सब भूल जाएंगे, क्वेश्चन तो आपके प्रैक्टिस की बात होती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, जब हर चीज़ का कॉन्सेप्ट हासिल कर लो उसके बाद उस चीज़ पे आओ जो तुम लोगों के लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।